हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से केरला चिकन रोस्ट की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने चिकन ले लिया है और चिकन को जो है ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। देखिए इस तरह के मैंने पीसेस कर लिए हैं इसके। तो सबसे पहले जो है ना इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और नमक, और साथ ही में इसमें हम ऐड कर लेंगे लेमन जूस। तो करीब लेमन जूस जो है ना आप 1 टेबल स्पून तक ऐड कर लें इसमें। और इन सब मसालों को जो है ना हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन बनता है, एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और जितने भी मैं मसाले इसमें यूज़ कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी की जो लिस्ट है ना मैं रिटिन में अपने वीडियो में आपको दे दूँगी। तो ये देखिए सब मसालों को चिकन पर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब जो है ना हम इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो कुछ मसाले हैं उन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने मसाले ड्राई रोस्ट करने के लिए पैन ले लिया है। इसमें ऐड करना है सिनेमन स्टिक का पीस, तेज़पात, स्टार एनिस, काली मिर्च ली है, हरी इलायची, और साथ ही में मैंने ज़ीरा लिया है, सौंफ और धनिया लिया है साबुत। इसी से जो है ना इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चिकन रोस्ट में। तो ये देखिए मसाला जो है ना अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सब मसालों की। तो गैस को अब बंद कर देंगे और ये मसाला जो है ना इसे हम ठंडा करके इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो अब पैन में हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑयल जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को जो है ना मैंने बारीक चॉप कर दिया इस तरह से, जैसे ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने काटी। और साथ ही में करी पत्ता भी ऐड कर लेंगे इसमें। और प्याज को जो है ना हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए प्याज जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो आप इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। तो ये मैंने लहसुन लिया है इसे बारीक चॉप कर लिया है, अदरक को भी इसी तरह से बारीक चॉप किया हुआ है। तो आप चाहें तो अदरक लहसुन को जो है ना क्रश करके भी डाल सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सब चीज़ें जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च की क्वांटिटी कितनी रखना वो आपके ऊपर है, जितना स्पाइसी पसंद हो उतनी ही इसमें मिर्च ऐड कर लें। और साथ ही में जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन को जो है ना अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनती है और काफ़ी चटकारेदार चटपटी सी होती है। तो ये देखिए चिकन को करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब फ्लेम को जो है ना बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे करीब 8 से 10 मिनट के लिए। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है, जो चिकन है ना उसका पानी रिलीज होगा। तो बीच में इसे 1 से 2 बार खोल के चला ज़रूर लें जिससे ये नीचे ना लगे। अगर आपको तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। और आप ये देखिए इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, जो चिकन का पानी है ना वही रिलीज़ हुआ है। ये देखिए तो अब जो है ना हमने जो मसाला पीसा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। जितना भी मसाला है सब ऐड कर देते हैं इसमें। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला होता है। आप लोग जब भी ये केरला स्टाइल चिकन रोस्ट बनाए ना तो ये मसाला इसी तरह से बनाएं जिस तरह से मैंने बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त है ये चिकन रोस्ट बनेगा आपका। तो ये देखिए चिकन में जो है ना सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो फिर एक बार और इसे जो है ना हमें कवर करके पकाना है। हमें इसे इतना पकाना है कि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए और कुक कर लिया है और आप देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सब मसालों की। और जो इसका पानी है ना वो ड्राई हो चुका है। ये देखिए अगर आपको लगता है कि इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है तो फ्लेम को जो है ना मीडियम पे करके इसे अच्छी तरह से भून लें। तो अब जो है ना इसमें मैं ऐड कर दूँगी करी पत्ता, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़रूर ऐड करें। और साथ ही मैं ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन रोस्ट बनके तैयार है। तो अब चलिए इसे निकाल लेते हैं सर्विंग डिश में। गैस को जो है ना बंद कर देते हैं। जब भी आप अपने घर पे ये टेस्टी सा चिकन बनाएंगे ना तो आपके घर वाले जो है ना इस चिकन के जो है ना फैन हो जाएंगे। इतना टेस्टी सा ये चिकन रोस्ट बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो अब जो है ना मैं आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी बना है। जितना खुशबूदार होता है चटपटा सा होता है उतना ही ये जूसी भी होता है। ये देखिए
एक चिकन पीस ले लेंगे और इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही जूसी बनता है, तो जल्दी जल्दी से ये टेस्टी सा चिकन रोस्ट बनाएं। और ये देखिए कितनी आसानी से गल गया है, काफ़ी गर्म है इसलिए मैं पकड़ नहीं पा रही। ये देखिए बहुत ही आसानी से गल गया है, तो बस जिस तरह से मैंने बनाया बिल्कुल उसी तरह से बनाएं। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इंजॉय करें मज़ेदार सा चिकन रोस्ट विद शिवाज किचन। थैंक।